हेलो दोस्तों, स्वागत है मेन फैक्ट्स क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के भाग 5 में अनुस्वार, अनुनासिक और अर्धस्वर, उच्छिप्त व्यंजन, ये सब क्या होते हैं। दोस्तों, बात करें अनुनासिक दोस्तों, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे नाक से अधिक वायु निकलती है, जिसे हम अनुनासिक वर्णों के द्वारा हम उच्चारित करते हैं। जैसे दोस्तों, अनुनासिक में होता है कि कोई भी स्वर हो, उसका उच्चारण करते समय हमारे नाक से अधिक वायु निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। दोस्तों, अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं अनुनासिक। दोस्तों, जैसे जैसे चांद, चांद बोलते समय दोस्तों हमारे नाक से अधिक मात्रा में वायु निकलती है, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का जो चिन्ह है वो है चंद्र बिंदु। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार में दोस्तों स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख तथा नाक से दोनों से ही वायु बाहर की ओर निकलता है। अनुस्वार में दोस्तों हमारे मुख और नाक से दोनों वायु निकलता है। जैसे दोस्तों इसमें क्या 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 आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन में जो 5 वर्ग होते हैं दोस्तों, वो 5 वर्ग के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार कहलाता है। जैसे दोस्तों अंगा, या, अ, ना, अ, मा, ये सब दोस्तों अनुस्वार कहलाते हैं। इन सब का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जैसे हमने लिखा संवाद में जो ये चिन्ह का जो ये चिन्ह यानी कि जो बिंदु चिन्ह का लगा हुआ है वो अनुस्वार का चिन्ह है। दोस्तों ये होता है अनुस्वार का चिन्ह, यानी कि अनुस्वार हम उसे कहते हैं जो हमारे मुख तथा नाक से दोनों से वायु बाहर की ओर निकलती है। और अनुनासिक में दोस्तों क्या होता है? केवल नाक से ही अधिक वायु बाहर की ओर निकलती है। ये पढ़िए, तीसरा हम बात कर रहे हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, जो हमारी जीभ होती है, वो ऊपर उठकर हमारी मूर्धा से स्पर्श करके छटके से
नीचे की ओर आती है, इसे हम दोस्तों उच्छित व्यंजन कहते हैं। दोस्तों पूरे वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन केवल दो ही होते हैं, और ये जो उच्छिप्त व्यंजन बने हुए हैं दोस्तों, ये संस्कृत से नहीं बने होते हैं, ये संस्कृत से नहीं बने होते हैं, इनका जो विकास हुआ है वो हिंदी से हुआ है, हिंदी भाषा से इनका विकास हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो उच्छिप्त व्यंजन आपका ये हो जाता है, और दूसरा उच्छिप्त व्यंजन है ढ, एक ट एक ढ। जो पहला उच्छिप्त व्यंजन है दोस्तों इसको तो एक तो मूर्धन होता है, सघोष होता है और अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। और ये वाला जो उच्छिप्त व्यंजन है ढ, ये मूर्धन्य होता है, यानी मूर्धा से बोला जाता है, सघोष होता है और महाप्राण होता है। तो इस प्रकार हमने अनुनासिक, अनुस्वार, उच्छिप्त व्यंजनों को पढ़ा, ये क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे अर्धस्वर और लुंठित और पात्विक क्या होते हैं। दोस्तों अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं। अर्धस्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं, उसके बाद लुंठित वर्ण कौन कौन से होते हैं। पार्श्विक में दोस्तों होता है ला, और लुंठित में होता है रा, और अर्धस्वर में दोस्तों होता है या और वा। अर्धस्वर हम या और वा को बोलते हैं, और पार्श्विक जो बोलते हैं ला को बोलते हैं, और लुंठित जो होता है वो रा, यानी कि रा वर्ण को हम लुंठित वर्ण बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने अनुनासिक, अनुस्वार, उच्छिप्त व्यंजन, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक ये सब क्या होते हैं, इसी प्रकार हम लोगों ने इसका अध्ययन किया और जाना कि क्या होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम और कुछ नए तथ्यों के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और आज के लिए इस वर्ण विचार भाग 5 में वर्णों का जो आज समापन हो रहा है। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर